चरणों में सुखदेव मुनि के राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठा है और राज ऋषि परीक्षित से सुखदेव मुनि ने कहा कितना समय है? बोले 7 दिन का समय है, 7 दिन के बाद में तक्षक नाग आएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि ने कहा 7 दिन? अरे 7 दिन तो बहुत होते हैं, सुन मेरी बात। हे राज ऋषि परीक्षित, एक सूर्य वंश का महान प्रतापी राजा खटवांग, ध्यान देना, देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहा था और भगवान नारायण गए धीरे से और खटवांग से कहा, भगवान नारायण ने गरुड़ पर बैठे, उन्होंने कहा हे राजा खटवांग सुन, तेरी आयु पूर्ण हो गई, मात्र एक घड़ी बची है। कितना? एक घड़ी। कितनी? 24 मिनट बचा है, 24 मिनट के बाद में काल प्रहार करेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस 24 मिनट के अंदर अगर तुझे मुक्ति का कोई उपाय हो तो कर ले। तो राजा परीक्षित से कहा सुखदेव मुनि ने कि वो सूर्य वंश का महान प्रतापी राजा खटवांग, जिसने मात्र 24 मिनट में एक घड़ी में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लिया था, तो तेरे पास तो 7 दिन का समय है, बहुत है इतना तो बताओ। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना, ध्यान देना। अगर शरीर में कोई बीमारी लगी है, अच्छा डॉक्टर अगर होगा ना, आप डॉक्टर के पास जब जाओगे, चाहे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो, ज्ञानी डॉक्टर के पास, अनुभवी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो उससे जाकर बीमारी जब बताओगे, तो जो ज्ञान रखता है वो तो ये कहेगा, बस इतनी सी बीमारी? अरे तेरी बीमारी को तो मैं 3 दिन में ठीक कर दूंगा। मरने वाला व्यक्ति भी जी जाता है साहब डॉक्टर के कहने पर, बताओ। और किसी अनाड़ी के पल्ले पड़ जाना, अनाड़ी के पल्ले अगर पड़ कर छोटी सी भी बीमारी होगी ना, पांव में कभी खरोज भी लग गई होगी, तो उसके पास जाओगे ना तो वो कितने उपाय बताएगा, भैया ऐसा ना हो ये पक जाए, फूटेगा, इसके बाद ही मवाद बनेगा, इसकी पट्टी करनी पड़ेगी, इसमें बहुत इलाज लगेगा, हो सकता है तुम्हारा पांव भी काटना पड़े, बताओ। छोटी सी बीमारी के लिए पांव कटवा देते हैं, कथा से शिक्षा लेना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से इलाज होगा ना, डॉक्टर बहुत अच्छा है। सुखदेव मुनि जैसे सदगुरु, उन्होंने कहा बस 7 दिन का समय, अरे ये तो बहुत है तेरे लिए, जो 2.5 घड़ी में बताओ, जिसने परम पद प्राप्त कर लिया सा खटवांग राजा, उसको तो इतना सा, तेरे पास तो 7 दिन का समय, बैठ मेरे सामने, मैं तुझे ज्ञान प्रदान करता हूं। ऐसा जीवन में सदगुरु आया। अरे वारी जाऊं रे ए बलिहारी जाऊं रे, इम्हारा सतगुरु आंगन आया, मैं तो वारी जाऊं रे। गाना आप लोग भी हमारे साथ में, पावन गंगा जी का तट है, सुखदेव मुनि जैसे सदगुरु बैठे हैं सामने, राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठा है, 7 दिन का समय है मात्र, 7 दिन के बाद में तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग आकर के दंश करेगा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में। इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनना लो, पापियों को पाप से तारने वाली तो है ही है ये जो कथा है भगवान की, भागवत पापों से तो तारती ही है, निर्भय भी बना देती है, वो भय मुक्त करने वाली कथा है। संसार में आदमी को सबसे ज्यादा भय किससे लगता है बताइए आप लोग, सबसे ज्यादा भय आदमी को किसका लगता है? मृत्यु का। भाई इससे बड़ा कोई भय है क्या? आदमी घर से बाहर नहीं निकले सहज में, हर आदमी को मृत्यु का भय रहता है, और जो मृत्यु के भय से निर्भय बना दे हमको, वही तो सुखदेव मुनि जैसा सदगुरु है। मृत्यु का भय जो मिटा देता है, निर्भय बनाने वाली भगवान की कथा है। तो अभी तक जो हमने कथा सुनी, यहाँ से जो कथा कही गई, वो कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, प्रेम और भाव से कथा। एक कथा आनंद वन में हो रही थी हरिद्वार में, एक कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई, यही भागवत पोथी।
और इसी कथा को अब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, जिनको 7 दिन के बाद मरना है। वो एक आसन पर बैठे हैं सुखदेव मुनि के सामने राजऋषि परीक्षित।